परमाणु हमला कितना खतरनाक हो सकता है, शायद जितना अंदाज़ा आप लोग इसका लगा रहे हैं उससे भी शायद यह कहीं अधिक खतरनाक होता है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को परमाणु हमले की पूरी योजना और किस प्रकार से यह काम करता है ये सारा चीज़ बताएंगे। बहुत सारा जीके इसमें आप लोगों का क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत चीज़ों को आप जानेंगे। और आज चूंकि 6 अगस्त है, हिरोशिमा डे, आज के ही दिन आपके 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। आज 75 साल हो गया। आज देखिए इस अवसर पर लोग अपील कर रहे हैं पूरे विश्व से कि दोबारा ऐसा हमला ना हो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये लाखों लोगों को सेकेंडों में नील कर लेता है। और ये अपील इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय उत्तर कोरिया काफ़ी ज़्यादा परमाणु परीक्षण कर रहा है, लोग इससे डरा हुआ है कि ये क्या करेगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटेशन क्लासेस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं पूरे यहाँ पर, इस चीज़ को वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आज देखिए यहाँ पर जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था वो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, उसका आज यहाँ पर 75 साल हो गया है। और वो जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय बम का नाम था। आप लोग शायद इस बात को तो जान ही रहे होंगे, लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपके उस बम में हमले में 1,40,000 लोग मतलब कि कुछ ही सेकेंड में मर गए थे। तो 6 अगस्त 1945 को तो जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय बम गिराया गया था। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन था, जो कि आपके अटलांटिक महासागर में अगस्ता जहाजी बेरे से उसमें घोषणा किया था कि इस बम का जो क्षमता है वो 20,000 टन का क्षमता है। यानी सोचिए 20,000 टन का क्षमता वाला बम वहाँ पर हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो कितना ये सोचिए खतरनाक हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में 1.5 लाख लोग को ये पूरा नील गया था। अब देखिए सवाल है कि हिरोशिमा पर क्यों गिराया गया था, हिरोशिमा को ही क्यों टारगेट किया गया था। तो देखिए हिरोशिमा एक ऐसा शहर था जापान का जहाँ से कि पूरे सेना को वहाँ से हथियार वगैरह पहुँचाने का काम होता था, इसलिए उसको टारगेट बनाया कि अमेरिका सोचा इसके ऐसे जगह को ही हम उड़ाएंगे ताकि वहाँ से उसका हथियार सप्लाई ही बंद कर दे। लेकिन अब एक और सवाल मन में आता है कि आखिर अमेरिका क्यों हमला किया। तो देखिए इसके पीछे भी कारण है, ये देखिए अमेरिका जो हमला किया था उस पर उसमें उसका बदला था। वो किस चीज़ का बदला लिया कि 8 दिसंबर 1941 को देखिए जापानी सेना ने क्या किया था, 8 दिसंबर 1941 को जो अमेरिका नेवी था, नौसेना जो था, उसका बेस पर वो पर्ल हार्बर उसका बेस था, पर्ल हार्बर पर क्या किया था, वहाँ से अटैक कर दिया था। और इसी अटैक इसी हमला का जो है मतलब बदला पूरा अमेरिका जो है काफ़ी गुस्सा गया था, और इसी का बदला वहाँ पर अमेरिका हिरोशिमा पर वो परमाणु बम गिरा कर लिया, क्योंकि अमेरिका उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। तो पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ उसी समय अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का भी ऐलान कर दिया था, और उस समय वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा खीज में था, और वो पूरा अपना ताकत के साथ द्वितीय विश्व युद्ध उतरना चाह रहा था, और इसलिए वो परमाणु परीक्षण करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, 16 जुलाई को उसका परमाणु परीक्षण सफल हो गया था। और 16 जुलाई को अमेरिका जैसे ही परमाणु परीक्षण में सफल हुआ, उसका जो राष्ट्रपति ट्रूमैन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित, एक्स्ट्रा उत्साहित हो गया था। और इसी कारण क्या हुआ कि वो तुरंत जो है अपना कमांडर को, जो आपके प्रशांत महासागर में उसका वायुसेना का जो कमांडर सब था, उसको मतलब कि जो पॉट्सडाम नाम का जगह था, पॉट्सडाम से 25 जुलाई को ही मतलब कि वहाँ पे आदेश दे दिया था कि बम गिराना है। और योजना बना था कि 3 अगस्त को ही वहाँ पर बम गिराया जाना था, लेकिन 3 अगस्त को बम इसलिए नहीं गिराया जा सका क्योंकि वहाँ कुछ दिक्कत आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से प्लान चेंज हो गया, और अमेरिका जो है वहाँ पर 2 बम गिराने का योजना बना लिया। बम था लिटिल बॉय जो बम था वो यूरेनियम बम था, और जो फेटमैन बम था वो प्लूटोनियम बम था। एक बम था फेटमैन और एक बम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय यूरेनियम बम था और फेटमैन जो था प्लूटोनियम बम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है। और जैसे इसका ट्रिनिटी परीक्षण हुआ उसका 2 सप्ताह के बाद इस बम को तैयार कर लिया था,
और उसके बाद जापान में बम गिराने का शहर का सूची भी तैयार हो गया था। देखिए उस सूची में आपका उस समय नागासाकी का नाम शामिल नहीं था, हिरोशिमा शामिल था। हिरोशिमा के अलावा उसमें और जो शहर था वो कोकुड़ा और जापान का जो पहले का राजधानी था क्योतो, क्योतो और नीगाता, ये नाम शामिल था। नागासाकी जो था वो अमेरिका के निशाने पर शामिल नहीं था। लेकिन नागासाकी को फिर क्यों शामिल कर दिया गया? नागासाकी को तब शामिल कर दिया गया जब उसका जो तत्कालीन उस समय जो युद्ध मंत्री था स्टिमसन के कहने पर, जो जापान का पुराना राजधानी था क्योतो, क्योंकि क्योतो पर हमला करके उसको ज़्यादा फायदा नहीं था, इसलिए युद्ध मंत्री के कहने पर क्योतो का नाम वहाँ से हटा करके नागासाकी का नाम जो है वहाँ पर शामिल उसमें कर दिया गया था। लेकिन नागासाकी जो था वो उसको अमेरिका के टारगेट में नहीं था। अब देखिए क्या हुआ कि 6 अगस्त को सुबह लगभग 8:15 बजे जो है ज़मीन से 600 मीटर का हाइट पर, ज़मीन का 600 मीटर हाइट से ही जो है वो एटम बम फटा था, वहाँ जो गिराया तो 600 मीटर हाइट पर एटम बम फटा। और देखिए क्या हुआ कि मतलब कि कुछ ही सेकेंड के अंदर में जो वहाँ पर शहर का लगभग समझिए 80% वो भाप बनकर वहाँ पर उड़ गया था। और इस बम धमाके में और वहाँ का जो तापमान हो गया था, तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया था। अब सोचिए यहाँ अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसा गर्मी होता है, तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना भयंकर गर्मी था। इस गर्मी के कारण यानी हड्डी भी भाप बन गया और हड्डी भी भाप बन के उड़ गया, यानी कि कुछ ही गिना चुना लोग जो है उस शहर में बचा था, नहीं तो कहिए तो पूरा शहर ही वो ख़त्म हो गया था। वहाँ पर अगर बात करेंगे तो उस समय जो है आपका हिरोशिमा में 76,000 घर था, उसमें से 70,000 घर का नामो निशान ख़त्म हो गया और 70,000 से 80,000 आदमी मतलब कि सेकेंड में ख़त्म हो गया। 1,000 में से आपका 1,40,000 लोग नहीं मिला, यानी 1,40,000 लोग वहाँ पर ख़त्म हो गया इस हमला से। अब देखिए इस हमला से अभी भी क्या होता है, इस हमला से जो अभी भी इतना रेडिएशन निकलता है, इससे अभी भी अपंग बच्चा जो है पैदा, मतलब कि बहुत दिन तक वहाँ पे अपंग बच्चा पैदा वहाँ पर ले रहा था। और जो अमेरिकी विमान था उसका एक था आपका B-29 सुपर फॉरेस्ट्रेस, और जो है अमेरिकी विमान से इसको गिराया गया था। और ये जो जैसे ही बम गिराया गया था, इस बम के गिराने के कुछ ही मतलब कि सेकेंड में पूरा आसमान में बादल जैसा छा गया, जिससे वहाँ ऑक्सीजन का लेवल ही समाप्त हो गया था। और जो लोग अंदर में छुपा हुआ भी था, जान तो बचा लिया पहले, लेकिन जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो फिर लोग घुट घुट के मरने लगा। और तरप तरप के लगभग समझिए कि फिर 50% लोग तो ऑक्सीजन का कमी में तरप के मरने लगा। अब आप अनुमान लगा सकते कि ये कितना खतरनाक होता है। जबकि यहाँ एक चीज़ और हुआ था कि 13 अप्रैल 1941 को यहाँ पर एक तरह का समझौता हुआ था, जिसमें कि 5 साल तक कोई हमला नहीं करने का, यहाँ पर जो उन दोनों के लोगों के बीच जो है ऐसा मतलब कि निर्णय लिया गया था। एक म्यूजियम भी बनाया गया है जो हिरोशिमा में बना है, उसका स्थापना 10 साल बाद 1955 में इस म्यूजियम का स्थापना किया गया, जो कि आपके जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इस परमाणु हमला में मारे गए थे उसके याद में एक स्मारक वहाँ पर, अभी भी ये स्मारक वहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग भी इसमें प्रयास करें कि ये परमाणु हमला दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में आकर। और कुछ खास और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।